एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर मनमोहन देसाई की आज 27वीं बर्थ एनिवर्सरी है। बिछड़ना और फिर मिलना वाली थीम पर उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं कि ये बॉलीवुड में नया जॉनर बन गया। कुली, मर्द, अमर अकबर एंथनी से लेकर तूफान तक उनकी सारी फिल्मों में परिवार के बिछड़ने और फिर मिलने की कहानी होती थी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ लगातार 7 सुपरहिट फिल्में बनाई जिन्होंने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी। मनमोहन देसाई ने कुल 23 फिल्में बनाई जिनमें 15 जबरदस्त सफल रही। खुद मनमोहन देसाई की कहानी कुछ कम फिल्मी नहीं थी। पिता कीकू भाई फिल्म प्रोड्यूसर थे लेकिन जब मनमोहन महज 4 साल के थे उनकी मौत हो गई। अपने पीछे परिवार के लिए वो ढेर सारा कर्ज छोड़ गए जिसे चुकाने में सारी जायदाद बिक गई। मनमोहन देसाई 20 साल की उम्र में फिल्म डायरेक्टर बने। फिल्म भी राज कपूर और नूतन को लेकर बनाई जिसका नाम छलिया था। छलिया मेरा नाम। देसाई एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक के बाद एक 11 फिल्में जुबली हिट दी। इनमें 4 गोल्डन जुबली और 4 सिल्वर जुबली थीं। देसाई की पत्नी प्रभा की भी कम उम्र में ही मौत हो गई थी। कुछ साल अकेले रहने के बाद एक्ट्रेस नंदा से उन्हें प्यार हुआ, फिर इनकी सगाई हुई। लेकिन शादी के पहले ही एक हादसे में देसाई की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद नंदा ने भी कभी शादी नहीं की। ताउम्र वो मनमोहन देसाई की विधवा की तरह